देश में चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दलों समेत सरकार विरोधी तमाम लोगों को ईवीएम से जुड़े मुद्दे उठाते देखा जा सकता है। चुनाव से पहले ही लोग इस तरह का माहौल बना देते हैं ताकि अगर चुनाव हार भी जाएं तो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाकर इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ा जा सके और अपनी हार और नाकामी को छिपाया जा सके। ऐसे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। चुनाव आते ही एक बार फिर विपक्षी दलों को अपनी हार का डर सताने लगा है। पीएम मोदी के जबरदस्त प्रचार और 400 पार के नारे ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा रखी है। आलम यह है कि ये लोग अभी से ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से वोटिंग और वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बैलेट पेपर्स से वोटिंग के दौरान होने वाली समस्याओं की ओर इशारा किया, साथ ही बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को भी याद दिलाया। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से संविधान पीठ के जजेस ने सख्त लहजे में कहा, हम अपनी जिंदगी के छठे दशक में हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं होती थीं। हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। वीवीपैट पर्चियों के मिलान के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें किसी पर तो भरोसा करना ही होगा, आप सिस्टम को इस तरह ध्वस्त करने की कोशिश न करें। इसके बाद जब प्रशांत भूषण ने कहा कि जर्मनी जैसे देशों में अब भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, तो इस पर बेंच ने कहा, उन देशों की आबादी कुल 5 से 6 करोड़ है, जबकि हमारे देश में वोटर्स की संख्या 98 करोड़ है। प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वोटिंग के पैरेलली हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर मशीनें सही काम करती हैं और प्योर रिजल्ट देती हैं, लेकिन इसमें इंसानी दखल से ज्यादा परेशानी हो सकती है, फिर पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि ईवीएम और वीवीपैट का मैनिपुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोग्राम चिप से चलता है जिसमें द्वेषपूर्ण यानी स्पाइटफुल प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर वो कैसी राहत चाहते हैं। तब प्रशांत भूषण ने 3 सुझाव देते हुए कहा कि पहला, बैलेट पेपर वाले सिस्टम पर लौटना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए जिसे बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट किया जाए और उसकी भी गिनती हो। और तीसरा सुझाव ये दिया कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती हो और ये सब पारदर्शी तरीके से हो। अगर ईवीएम और वीवीपैट की गिनती में और मिलान में कोई अंतर पाया जाता हो तो फिर सिर्फ वीवीपैट की गिनती को ही माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण के तीनों ही सुझाव पसंद नहीं आए। कोर्ट के मुताबिक चुनाव सिर पर हैं, ऐसे समय में अचानक से इतने बड़े बदलाव नहीं किए जा सकते और ना ही बैलेट पेपर के गुजरे जमाने में जाया जा सकता है। इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय? क्या आपको भी लगता है कि वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर प्रशांत किशोर के दिए तीनों सुझावों में से कोई एक मान लेना चाहिए? आपका जो भी जवाब है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।